नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैंसी शर्मा। और चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबरों के साथ में, जहां आपको बताते चलें कि रायपुर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सीएम साय का जशपुर का दौरा आज रहने वाला है। जिले के मतदाताओं का अभिवंदन करेंगे, जहाँ दोपहर में जशपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज जशपुर का दौरा बेहद ही खास होने वाला है। इस दौरान वे जिले के सभी मतदाताओं से चर्चा करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे, जहां दोपहर में जशपुर से फिर रायपुर के लिए रवानगी करेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज जशपुर का दौरा बेहद ही खास होने वाला है। दरअसल आज जशपुर में मतदाताओं यानी कि ग्रामीणों लोगों से जो आम जन हैं उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे चर्चा कर उनका अभिनंदन करेंगे, जिसके बाद दोपहर में जशपुर से वापस रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो जशपुर में आज सीएम विष्णुदेव साय का दौरा रहने वाला है। कई मायनों में उनका यह दौरा बेहद ही खास होगा। दरअसल जिले के मतदाताओं का इस दौरान वे अभिनंदन करेंगे, जहां दोपहर में जशपुर से वापस रायपुर के लिए फिर रवानगी भरेंगे। तो पहले सीएम साय जशपुर पहुंचेंगे, जशपुर पहुंचने के बाद वे सभी मतदाताओं से चर्चा करेंगे, अभिनंदन उनका करेंगे, चर्चा कर उनसे जहाँ उनकी परेशानियों को भी जानने की कोशिश करेंगे और मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी उनसे चर्चा की जाएगी। उनका अभिनंदन ज्ञापित करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दोपहर में जशपुर से वापस रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज जशपुर का दौरा बेहद ही खास होने वाला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, आज सीएम विष्णुदेव साय जशपुर पहुंच रहे हैं, किन मायनों में उनका यह दौरा खास होने वाला है और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आज उनके? मैं बता दूं कि सीएम विष्णुदेव साय जो हैं आज अपने गृह ग्राम जशपुर की ओर आज जाने वाले हैं। वो उस क्षेत्र से आते हैं जशपुर से आज एक, पहले तो मैं बता दूं कि कोई एक निजी कार्यक्रम में आज वहां पर शामिल होंगे और उसके बाद जो है वो जनता से वहां पर मुलाकात करेंगे। कुछ उनके कार्यक्रम हैं, कुछ बैठके हैं जो वहां के लोकल जो नेता हैं, जो लोकल भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से कुछ लोगों से वो आज मुलाकात करेंगे। और यकीनन तौर पर जो जशपुर की जनता है उसके लिए भी कुछ कुछ बातें हैं जो उन्होंने पिछले दौरान जो जशपुर के दौरे के समय पर कही गई थी, उस पर भी कुछ चर्चा की गई। हो सकता है कि कुछ नई सौगातें जो हैं वो जशपुर की जनता को यहाँ पे दे दे, क्योंकि पिछले बार भी जब वो जशपुर गए थे तब भी कुछ कई लोगों से वो वहां पर मुलाकात की गए थे और कई लोगों ने अपनी समस्याएं भी उनको बताई थी। तो इस बार जो जशपुर जा रहे हैं तो यकीनन तौर पर मैं कह सकते हैं कि वो वहां पर लोकल लीडर से वहां पर मिलेंगे और जनता की कई समस्याएं हैं जो उसका निवारण भी वो जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं वो वहां पर कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि आज जनता के बीच जब पहुंचेंगे तो जनता की परेशानियों को भी सुनते हुए नजर आएंगे और उनसे तमाम चर्चा भी करेंगे, खासतौर पर उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन इस दौरान जब जशपुर पहुंचेंगे और जनता का अभिवादन स्वीकारेंगे, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, तो क्या कोई बड़ी सौगात जशपुर वासियों के लिए लेकर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, चूंकि मुख्यमंत्री हैं उनको वो जो कहें वो बात टल नहीं सकती और यकीनन तौर पर पिछले जो दौरे के दौरान जो जनता ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी थी उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने उनसे कहा था कि जो भी वो कह रहे हैं सभी चीजों पर गौर किया जाएगा और जब वो दोबारा आएंगे तो उनकी सारी समस्याएं को हल करेंगे। तो यकीनन तौर पर जो जशपुर के दोबारा दौरे पर वो हैं तो जो उनके कार्यक्रम होंगी, जो उनके कार्यकर्ताओं से तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ जिन जनता से या जिन पार्टी के लोगों से जो रूबरू होंगे उनकी जो समस्याएं होंगी, वो जो दिक्कतें होंगी आने वाले समय में क्या चीजें उसको करना है, उन सब चीजों पर वो बात तो वहां पर सुनेंगे ही। और कुछ सौगातें हैं, क्या पता कुछ बड़ी सौगातें जो हैं वो मुख्यमंत्री जो हैं वो वहीं से ऐलान कर दें। कुछ लोगों की जो कुछ मांगे थी या कुछ जो निवेदन जो था वो मुख्यमंत्री के सामने लगाए थे पिछले दिनों, क्योंकि जनदर्शन के दौरान भी जशपुर से कुछ लोग आए हुए थे तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि मैं जशपुर आऊंगा। तो हो सकता है कि कुछ बड़ी सौगातें जो हैं वो मुख्यमंत्री इस बार जो हैं वो जशपुर की जनता को दे सकते हैं। बिल्कुल कुलभूषण, और ये भी बताइएगा कि आज उनके क्या कार्यक्रम जशपुर में रहने वाले हैं, अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की भी बात करें या फिर रूपरेखा की बात करें या तैयारियों की बात करें तो क्या कुछ इंतजाम उनके आज के कार्यक्रम को लेकर? जी पहले तो एक जशपुर में बता दूं कि जशपुर में एक कोई निजी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो उस निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह जशपुर जो भाजपा कार्यालय है वहां पर वो कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे वहां पर वो मुलाकात करेंगे, जो भाजपा के लोकल जो कार्यकर्ता है जो लोकल लीडर्स हैं उनसे वहां पर मुलाकात करेंगे। इसी दौरान कुछ जनता से भी वहां पर रूबरू होने वाले हैं।
कुछ सभा उनकी होगी, कुछ बैठकें होंगी, और उनके बाद फिर जो है वो वहां से वापस जो है वो रायपुर के लिए वहां से रवाना होंगे। आज ही शाम तक जो है वो विष्णु देसाई वापस रायपुर के लिए वहां पे आएंगे। दिन भर का उनका एक कार्यक्रम है, उसके बाद वो अपने घर में ही आज उनका आरक्षित होना है। तो अब तक का जो अपडेट है वो यही है कि जो एक दो जगह पर उनके वहां पे कार्यक्रम होने हैं, अब किस तरह का कार्यक्रम है क्या है वो जसपुर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, यानी कि आज उनके कई सारे कार्यक्रम जशपुर में रहेंगे, और ये भी कहा जा सकता है कि जशपुर वासियों के लिए आज एक खास दिन हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय जशपुर के आज दौरे पर रहेंगे, जहां जशपुर जब पहुंचेंगे तो निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जहां सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, और उसके बाद वापस रायपुर के लिए रवानगी भरेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय का जशपुर का दौरा बेहद ही खास होने वाला है, कई मायनों में ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण है।